बॉबी देओल के करियर में पिछले कुछ सालों में आमूलचूल बदलाव देखने को मिला है। 2012 से लेकर 2017 तक उन्होंने सिर्फ 3 फिल्मों में काम किया। इनमें से 2 उनकी फैमिली की फिल्में थी। बॉबी ने खुद बताया कि इस दौरान वो बहुत शराब पीने लगे थे। बॉबी को लगता था कि उन्हें काम तो आता है, फिर उन्हें कोई अपनी फिल्म में क्यों नहीं लेता। चीज़ों को नेगेटिव तरीके से देखने लगे थे, मगर उनके बेटे आर्यमन देओल की कही एक बात ने झटके में उन्हें बदल कर रख दिया। कॉफी विद करण सीजन 8 में बॉबी ने बताया कि उनके बेटे ने उनकी पत्नी पूजा से कहा, पापा घर पर बैठे रहते हैं और आप रोज काम पर जाती हैं। ये बात बॉबी ने सुन ली। उसी वक्त उन्हें लगा कि ऐसे नहीं चलेगा। उन्होंने धीरे धीरे अपने ऊपर काम किया और 2018 में फिल्मों में वापसी की। उसके बाद से वो 5 फिल्मों और एक बेहद चर्चित वेब सीरीज में काम कर चुके हैं। इन दिनों वो एनिमल नाम की फिल्म में विलन के रोल में दिखाई दे रहे हैं। आज हम बॉबी देओल की पिछली 5 फिल्मों के बारे में बताएंगे, जिन्होंने ना सिर्फ उन्हें काम दिलाया बल्कि एक एक्टर के तौर पर दोबारा से उन्हें स्थापित कर दिया। बॉबी ने बताया कि एक बार सलमान खान से उनकी बात हो रही थी। सलमान ने उन्हें बताया कि जब उनका करियर ठीक नहीं चल रहा था, तब संजय दत्त और सनी देओल के कंधे पर चढ़ गए थे। बॉबी ने कहा कि मुझे भी अपने कंधे पर चढ़ा लीजिए। बात खत्म हो गई। एक दिन रैंडमली सलमान ने बॉबी को फोन किया और रेस 3 में कास्टिंग की बात कही। बॉबी ने अपनी बॉडी पर काम किया और फिल्म में कास्ट हो गए। इस फिल्म में उन्होंने यश सिंह नाम का किरदार निभाया था, जो कि अनिल कपूर के कैरेक्टर का बेटा था। क्रिटिक्स ने फिल्म की भद्द पीट दी, जनता ने माथा पकड़ लिया। बावजूद इसके रेमो डिसूजा डायरेक्टेड इस फिल्म ने इंडिया से 169 करोड़ रुपए कमाए। वहीं फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 294 करोड़ रुपए रहा। यमला पगला दीवाना 3 फिर से बॉबी के घर की फिल्म थी। हालांकि इसे फ्रेंचाइज की पिछली 2 फिल्मों की तरह धर्मेंद्र ने खुद प्रोड्यूस नहीं किया था। इसमें वो सिर्फ बतौर एक्टर काम कर रहे थे। फिल्म कुछ खास नहीं चली, मगर ये था कि बॉबी देओल लगातार काम कर रहे थे, काम का अभ्यास नहीं छूटा। यमला पगला दीवाना 3 को पंजाबी फिल्म मेकर नवनीत सिंह ने डायरेक्ट किया था। हाउसफुल फ्रेंचाइज गोलमाल के साथ इंडिया की सबसे सफल कॉमेडी फिल्म फ्रेंचाइज है। इस फिल्म सीरीज की 4th किश्त में बॉबी देओल के अलावा अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, कृति सैनन, पूजा हेगड़े और कृति खरबंदा जैसे एक्टर्स ने काम किया। पब्लिक को पिक्चर पसंद आई। ये बॉबी देओल के 20 साल लंबे करियर की सबसे सफल फिल्म साबित हुई। हाउसफुल 4 ने देश भर से 195 करोड़ रुपए कलेक्ट किए। इस फिल्म को साजिद खान डायरेक्ट कर रहे थे, मगर मीटू के आरोपों की वजह से उन्हें इस फिल्म से बाहर कर दिया गया। फरहाद सामजी ने फिल्म के बचे हुए हिस्से को डायरेक्ट किया। ये क्लास ऑफ 83 नाम की किताब पर आधारित फिल्म थी। इसमें बॉबी देओल ने एडीजी विजय सिंह नाम के पुलिस वाले का रोल किया था। ये एक हीरो पुलिस ऑफिसर था। बावजूद इसके उनकी पनिशमेंट पोस्टिंग के तौर पर एक पुलिस एकेडमी में डीन बना दिया जाता है। ये परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फिल्म थी। बॉबी का काम पसंद किया गया। ये एक्टर के तौर पर उनका कमबैक था। इस फिल्म को शाहरुख खान की कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने प्रोड्यूस किया था। अतुल सबरवाल डायरेक्टेड ये फिल्म सीधे नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी। लव हॉस्टल अलग अलग धर्मों से आने वाले एक प्रेमी जोड़े की कहानी थी। वो घर से भागकर शादी कर लेते हैं, मगर लड़की के घर वालों को ये रिश्ता मंजूर नहीं है, इसलिए वो विराज सिंह नाम के हिटमैन को इनकी जान लेने के लिए भेज देते हैं। विराज क्रिमिनल था, जेल जा चुका था, मगर अब उसके जीवन का एक ही मकसद था, इस प्रेमी जोड़े की हत्या। ये सोशल थ्रिलर फिल्म थी। इसमें बॉबी ने विराज नाम के सुपारी किलर का रोल किया था। प्रेमी जोड़ा बने थे विक्रांत मैसी और सानिया मल्होत्रा। इस फिल्म को भी रेड चिलीज ने मनीष मुंदड़ा की दृश्यम फिल्म्स के साथ मिलकर प्रोड्यूस किया था। लव हॉस्टल को सीधे Z5 पर रिलीज किया गया था। फिल्म को लेकर अच्छे रिव्यूज आए। इस फिल्म ने एक्टर के तौर पर बॉबी देओल की इमेज को मजबूत करने का काम किया। बॉबी देओल ने तमाम फिल्मों में काम किया, मगर आश्रम उनका सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला काम साबित हुआ। इस वेब सीरीज़ में उन्होंने काशीपुर वाले बाबा निराला नाम के ढोंगी बाबा का रोल किया था। ये बाबा अपने आश्रम में आने वाली महिलाओं को सेक्सुअली हरास करता था। ये सीरीज़ बड़ी पॉपुलर हुई, लंबे समय तक देश की सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली सीरीज़ बनी रही। ये इसलिए संभव हो सका क्योंकि आश्रम को MX प्लेयर नाम के OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ किया गया, जो कि दर्शकों से किसी किस्म की सब्सक्रिप्शन फ़ी नहीं लेता था। इस सीरीज़ को हबीब फैजल ने लिखा था, प्रकाश झा ने डायरेक्ट किया था। इन दिनों बॉबी देओल एनिमल नाम की फिल्म में दिख रहे हैं, जो कि एक गैंगस्टर ड्रामा है।
इस फिल्म में उनके साथ रणबीर कपूर, अनिल कपूर, रश्मिका मंदाना और तृप्ति डिमरी जैसे एक्टर्स काम कर रहे हैं। एनिमल को संदीप रेड्डी वांगा ने डायरेक्ट किया है। आने वाले दिनों में बॉबी देओल बिग बजट तमिल फिल्म कंगुआ में काम कर रहे हैं। इसमें सुपरस्टार सूर्या लीड रोल कर रहे हैं। इसके अलावा वो तेलुगु सुपरस्टार पवन कल्याण की फिल्म हरिहारा वेरुमलु नाम की पीरियड ड्रामा फिल्म में औरंगजेब का रोल कर रहे हैं। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। आपके लिए जानकारी जुटाई थी हमारे साथी श्वेतांक ने। देखते रहिए ललित टॉप सिनेमा। शुक्रिया।